संयुक्त अरब अमीरात जाकर काम करने के इच्छुक भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है। रविवार को यूएई ने एक नए तरह का वीजा लॉन्च किया जिसे ग्रीन वीजा कहा जा रहा है। यह किसी नियोक्ता की ओर से स्पॉन्सर किए बिना प्रवासियों को यूएई में जाकर काम करने के लिए आवेदन करने की अनुमति देगा। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में इसके बारे में जानकारी दी गई। इस वीजा के दायरे में प्रवासी कामगारों के साथ उनका परिवार भी आएगा। खबरों की माने तो यह कदम निवेशकों और बेहद कुशल श्रमिकों के साथ साथ छात्रों और ग्रेजुएट्स को टारगेट करने के लिए उठाया गया है। ग्रीन वीजा धारक की परमिट पर उसके माता पिता और 25 साल की उम्र तक के बच्चे भी यूएई की यात्रा कर पाएंगे। दावा किया जा रहा है कि यह कदम टैलेंट्स को आकर्षित करने और देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे हैं। यूएई सरकार अपनी नौकरी खो चुके लोगों को 6 महीने तक यूएई में रहने की अनुमति देगी, जो एक प्रोत्साहन है क्योंकि ज्यादातर वीजा का संबंध रोजगार से है। इससे 15 साल से अधिक उम्र के अस्थायी श्रमिकों को काम पर रखा जा सकेगा और रोजगार के बाजार में छाई मंदी को दूर किया जा सकेगा। विदेशी निवासी यूएई की आबादी का 80% हिस्सा है और पिछले कुछ दशकों से देश की अर्थव्यवस्था में अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं। विदेशी नागरिक प्राइवेट फील्ड्स में काम करके यूएई में संपत्ति खरीद कर या दुनिया के कुछ सबसे बड़े मॉल में खरीदारी करके देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। यूएई के अधिकारियों ने 30 अगस्त को सभी वैक्सीन लगवा चुके पर्यटकों को टूरिस्ट वीजा फिर से देने की घोषणा की थी। बड़ी संख्या में लोग छुट्टियां मनाने के लिए यूएई की यात्रा कर रहे हैं। भारत से यूएई हवाई रूट पर यात्रा करने के लिए आवेदकों की संख्या और हवाई किराए में आश्चर्यजनक इजाफा देखा गया है।